वन है तो जीवन है। वन मितान जागृत शिविर के इस उद्देश्य के साथ कोंटा परिक्षेत्र वन मंडल अंतर्गत आने वाले आवृत्ति चराई केंद्र हासिल गुड़ा में वन मितान जागृत शिविर का आयोजन किया गया। वहीं वन विभाग द्वारा आयोजित वन मितान जागृत शिविर में स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जहां पर वन विभाग द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को वनों के पारिस्थितिक तंत्र और अन्य गतिविधियों की जानकारी दी गई। साथ ही छात्राओं के लिए कई प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से चित्रकला, निबंध लेखन और क्विज कॉम्पिटिशन करवाया। बता दें कि छात्रों ने प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, वहीं उन्हें वन क्षेत्र से संबंधित जानकारी भी मिली। कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर एस प्रसाद राव ने स्कूली छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वन अधिकारी SDO KS ध्रुव शामिल हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रभारी वन परिक्षेत्र अधिकारी रामा राम वर्का, डिप्टी रेंजर राजेश मिश्रा, विभिन्न स्कूलों के शिक्षक सहित अन्य कर्मियों ने विशेष योगदान दिया। आज कोंटा वन परिक्षेत्र की ओर से कोंटा नगर के शिक्षण संस्थाओं को भ्रमण के लिए वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा लाया गया। निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा प्रयास। छत्तीसगढ़ शासन के जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, नरवा गरुवा दुर्वा बाड़ी, इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां बच्चों को आज प्रैक्टिकली मिल रही हैं। आसिरगुड़ा के इस समय हम लोग आवर्ती वन क्षेत्र में हैं और यहाँ पर आवर्ती चराई केंद्र में हैं। यहाँ पर बच्चे काफ़ी कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस प्रकार से वनों का संरक्षण संवर्धन किया जा सकता है। आज बच्चे प्रायोगिक तौर पे इसको जब देख रहे हैं, स्वयं मौके पे उपस्थित होकर के और वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा उन्हें बहुत ही अच्छे से समझाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये बच्चे जब अपने गाँव की ओर लौटेंगे, जब कभी भी अपने गाँव जाएंगे और अपने परिजनों को भी वन संरक्षण और संवर्धन के बारे में बताएंगे, तो निश्चित रूप से इसका एक व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। वन मितान जागृति कार्यक्रम शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें कोंटा के आसपास के स्कूल के बच्चों को वन और वन्य प्राणी एवं इस पर्यावरण संतुलन के संबंध में समझाइश दिया गया कि वन के महत्व के बारे में उनको बताया गया और वो लोग अपने बुजुर्गों को, पेरेंट्स को, गाँव ग्रामीणों को वन के महत्व के बारे में ताकि जागरूक कर सकें, इसलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उनको अपने वन विभाग में जो भी गतिविधियां हुई है, जैसे नरवा विकास कार्य है और आवर्ती चराई योजना है, तो सब इस गतिविधियों के बारे में भी उनको बताया जा रहा है और वन का भ्रमण कराया जा रहा है।